उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत भयावह है। ऑक्सीजन के अभाव में, बेड के अभाव में, इलाज के अभाव में और तमाम दवाइयों के अभाव में लोग लगातार अपनी जान को खो रहे हैं। अस्पतालों के बाहर ऐसे तमाम दृश्य आ रहे हैं कि मरीज ऑक्सीजन के अभाव में, इलाज के अभाव में, भर्ती होने के अभाव में तड़प तड़प के मर रहे हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा, मुख्यमंत्री बड़े बोलेपन के शिकार है और ऐसी कठिन परिस्थिति में भी जहां पूरा उत्तर प्रदेश रोज डर की स्थिति में जी रहा है, कौन अपने जीवन को खो देगा, ऐसी परिस्थिति में अभी भी वो लगातार लोगों के प्रति संवेदना के बजाय बेड, इलाज, दवाई, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर उपलब्ध कराने के बजाय अभी भी हवाबाजी में, हेडिंग मैनेजमेंट में, ब्रांडिंग में, इवेंट में मशगूल है। मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि ऑक्सीजन, बेड, वेंटिलेटर, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी नहीं है। मैं मुख्यमंत्री जी को खुली चुनौती देता हूं कि जो अधिकारी आपको लगातार यह फीडबैक दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन, बेड, वेंटिलेटर, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कोई कमी नहीं है, मुख्यमंत्री जी मीडिया में, टीवी पर, पेपरों में एक अपना गोपनीय नंबर जारी करें, साथ ही उन अधिकारियों का जो उनको फीडबैक दे रहे हैं उनका भी नंबर जारी करें, ताकि उत्तर प्रदेश के जिन लोगों को बेड की, ऑक्सीजन की, वेंटिलेटर की जरूरत है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत है, वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके, उनके समक्ष आ सके कि उत्तर प्रदेश के लोगों को इसकी कितनी जरूरत है। झूठ बोलना बंद करें मुख्यमंत्री, देश के, प्रदेश के लोगों को धोखा देना बंद करें मुख्यमंत्री। आरटीपीसीआर की टेस्टिंग घटा दी गई है, क्यों घटाया? उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों पर कांटेक्ट ट्रेसिंग नहीं किया जा रहा है, यानी जो लोग संक्रमित हैं उन संक्रमित लोगों के संपर्क में आने वाले लोगों का कोई टेस्टिंग नहीं हो रहा है। आखिर जांच क्यों नहीं किया जा रहा है? इस चेन को तोड़ने में, बीमारी को रोकने में आखिर इस तरह के कार्य सरकार क्यों नहीं कर रही है? कोविड कंट्रोल के नंबर जारी हुए हैं, उस कंट्रोल रूम में यह कहा जा रहा है कि आप फोन करिए जिसको ऑक्सीजन की, वेंटिलेटर की, रेमडेसिविर इंजेक्शन की या किसी तरह की जरूरत है। अभी पिछले दिनों एक ऑडियो वायरल हुआ, उस ऑडियो में स्पष्ट रूप से कहा गया जो लोग उस कोविड सेंटर में बैठे थे कि जाकर मर जाओ, हमें कोई लेना देना नहीं है। मुख्यमंत्री स्वतः उस कंट्रोल रूम में फोन करके पता करें क्या किसी को इलाज की, दवाई की, बेड की, ऑक्सीजन की, वेंटिलेटर की या रेमडेसिविर या दवाइयों की कोई उपलब्धता वहां से हो पा रही है। एसटीएफ ने खुलासा किया और 5 बार गाजियाबाद में, कानपुर में,
गोरखपुर में, लखनऊ में और तमाम जगह से छापे मार के रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसको बरामद किया और स्पष्ट तौर से कहा कि उत्तर प्रदेश में यह इंजेक्शन 10 गुने अधिक दाम में बिक रहा है। अभी कल ही झांसी के पेपर में स्पष्ट रूप से पत्रकार साथियों ने छापा था, 1-1 लाख रुपया में रेमडेसिविर इंजेक्शन लोगों में बेचा जा रहा है, बड़े पैमाने पर इसकी खरीद फरोख्त की जा रही है। आखिर मुख्यमंत्री कहां कुंभकर्णी नींद में सोए हैं, उनके अधिकारी कहां कुंभकर्णी नींद में सोए हैं, उनकी ही संस्था, उनकी ही जांच एजेंसी लगातार रिपोर्ट दे रही है। निजी अस्पतालों में अब भी सीधी भर्ती नहीं, अभी भी रेफरल लेटर सीएमओ का चाहिए। जो बड़े लोग हैं, वीआईपी लोग हैं, उनके लिए सारे दरवाजे खुले हैं, गरीब के लिए कोई दरवाजे नहीं खुले हैं। आपको याद होगा इन्हीं के एक आजमगढ़ के प्रत्याशी, नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, पीजीआई में भर्ती हुए और सेल्फी लोड करके, सेल्फी लेते हुए लोड करते आए। अगर वो ठीक थे तो पीजीआई में उनकी भर्ती हुई। और जो गरीब है अस्पतालों के बाहर, पीजीआई रामनगर लोहिया बलरामपुर जितने अस्पताल दिए गए हैं वहां तड़प तड़प के मर रहे हैं और सरकार चुपचाप मौन बनी पड़ी हुई है। जो सरकारी आंकड़े दिए जा रहे हैं उसमें यह कहा गया है कि कल लखनऊ में 13 मौत, गाजियाबाद में 6 मौत और रोज लगभग 200 लोगों का दावा कर रहे हैं। अभी गाजियाबाद में चले जाइए, वहां शमशान घाट पर स्पष्ट रूप से एक कागज की तख्ती साटी हुई है जिसमें कहा गया है कि यहां पर शमशान घाट पर जगह नहीं है दाह संस्कार के लिए। भैंसा कुंड में चले जाइए, तमाम जगहों से रजिस्टर निकाल लीजिए जहां पर रोज दाह संस्कार हो रहे हैं, वहां की वास्तविक स्थिति क्या है। रोज लगभग हजारों लोगों से अधिक लोगों की मौतें हो रही हैं और सरकार झूठे, पाखंड, घमंड और अब भी आंकड़ों की बाजीगरी में लगी हुई है। 3 विधायक जो सरकार के थे अभी वो काल के गाल में समा गए। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, डॉक्टर हर्षवर्धन जी को पत्र लिखा, उन्होंने तमाम अधिकारियों से संपर्क साधा। परिवार वालों का आरोप है कि हमने 5KD पर लगातार फोन किया, तमाम मुख्यमंत्री के अधिकारियों को फोन किया, किसी ने फोन नहीं उठाई, किसी ने उनकी बात नहीं सुनी और इलाज के अभाव में, आईसीयू बेड के अभाव में, इंजेक्शन के अभाव में लोगों ने दम तोड़ दिया। जो सरकार अपने विधायकों को नहीं बचा सकती, लालत है ऐसी सरकार पर, लालत है ऐसी व्यवस्था पर।